नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों, आजकल आप सभी एक बात बहुत सुनते होंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस है वो जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उन पर ज़्यादा जल्दी अटैक करता है, या जिनको कोई मेजर बीमारियाँ हैं, बड़ी बीमारियाँ हैं, या फिर बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो आखिर सवाल ये आता है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे पहचाने कि कमज़ोर है, और सेकेंड और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो इसी बारे में आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे। इम्यून सिस्टम के मजबूत होने पर हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। जी हाँ, यदि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है तो बीमारी हम पर हावी नहीं हो सकती है। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो ये हमें सिर्फ सर्दी और खांसी से नहीं बचाती है, बल्कि हेपेटाइटिस, लंग इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन सहित और कई अन्य बीमारियां जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उनसे बचाती है। और आज के डेट में पूरा वर्ल्ड जिस बीमारी से परेशान है उसके बारे में भी आप जानते हैं कि ये क्या कह रही हैं औषधियां, कि आप इनका प्रयोग कीजिए और अपने किसी भी तरीके से इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए। इलाज तो नहीं है उसका, लेकिन बचाव के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो हम इसको कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर तो होता है पर हम इसे समझ नहीं पाते हैं। आखिर कैसे पहचाने कि हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, आइए जानते हैं इस बारे में। अगर आपको लगता है कि आप बार बार बीमार हो रहे हैं और जुकाम की शिकायत रहती है, बार बार सर्दी हो जाना, और यदि आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे खांसी है और आपको भी इससे जल्दी ही खांसी या सर्दी हो जाती है, तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। बदलते मौसम का आपको बीमार करना आपके कमज़ोर इम्यून सिस्टम को दर्शाता है। यदि आप मौसम के बदलने पर बीमार हो जाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। एक्सरसाइज करते समय सांसों का फूलना और जल्दी थक जाना, ये कमज़ोर इम्यून सिस्टम की निशानी है। नींद ना आना, आँखों के नीचे काले घेरे, थकान महसूस होना, ये भी कमज़ोर इम्यून सिस्टम की निशानी है। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों की अपेक्षा बार बार बीमार होते हैं, जुकाम की शिकायत रहती है, खांसी, गला खराब होना या स्किन रैश जैसी समस्याएं रहती हैं, तो बहुत पॉसिबल है कि यह आपके इम्यून सिस्टम की वजह से हो। तो कैंडिडा टेस्ट का पॉजिटिव होना, बार बार UTI, डायरिया, मसूड़ों में सूजन, मुंह में छाले वगैरह भी खराब इम्यून सिस्टम का ही लक्षण होता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर है। अब सवाल ये आता है महत्वपूर्ण कि हम इसे स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो आप आंवला, हरी मिर्च, नींबू जैसी चीज़ों का सेवन करें। अगर आप चाय पीते हैं तो उसको बंद कर दें और तुलसी जी का काढ़ा पीना स्टार्ट करें, काली मिर्च का काढ़ा पीना स्टार्ट करें, या लौंग वाली चाय का सेवन स्टार्ट करें, ग्रीन टी का सेवन स्टार्ट करें। ये चीज़ें आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको मजबूत करने में मदद करेंगे। तो अगर आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, जो कि बढ़ाना ही चाहिए, तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप आंवला फल में आप सेब का सेवन कर सकते हैं, आप अंगूर का सेवन कर सकते हैं, आपको सेवन करना चाहिए मौसमी का, इसके अलावा संतरे का सेवन कीजिए, नींबू का सेवन कीजिए। विटामिन सी वाले फूड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर रखने के लिए, तो इनका सेवन भरपूर मात्रा में जरूर कीजिए। इसके अलावा आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए। जी हाँ, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्सरसाइज करेंगे, फिट रहेंगे और बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। छोटी मोटी बीमारियां तो वैसे भी आपसे दूर रहेंगी। इसके अलावा आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं, इसके अलावा रायते का सेवन कर सकते हैं, नीम की पत्तियां सुबह सुबह दो खा सकते हैं। अगर आपको अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये बेहतर तरीके हैं, आपका शरीर स्वच्छ, साफ और स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसे रखना बहुत ज़रूरी है, अभी ही नहीं कभी भी, जरूर पूरे जीवन इन बातों का ध्यान रखें और फिट रहें। ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, हमें बहुत खुशी होती है, साथ ही साथ दूसरे लोगों को लाभ मिल जाता है इसका। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।